सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू डे। तो गाइस ये आप देख रहे हैं साल 2023 में लॉन्च हुई ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 250। तो भाई आज हमारे साथ है इस बाइक के ऑनर, जो कि अपना ना डिटेल ऑनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ इस बाइक का शेयर करेंगे। तो गाइस अगर आप भी इस बाइक को बहुत ही जल्दी परचेज करने का सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में काफी सारी बातें आपसे होने वाली है। लाइक इस बाइक ऑनर को क्या माइलेज मिलती है, कितनी इस बाइक की टॉप स्पीड है, इसके अलावा दोस्तों क्या इस बाइक के अंदर अच्छी बात है और क्या इस बाइक के अंदर बुरी बातें हैं। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। I didn't know that it'd be so hard, yeah, for me to relax, finding my purpose. Don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. तो भाई आज हमारे साथ है बाइक के ऑनर। तो पहले भाई आपका वेलकम चैनल पे। वेलकम सर। तो भाई पहले कुछ अपने बारे में बताओ हमारे व्यूअर्स को, क्या आपका नाम है और क्या आप जॉब करते हो? माय नेम इज अभिषेक बीके और जॉब प्राइवेट है रियल एस्टेट में। अच्छा, हाँ जी। तो भाई पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यार मार्केट में काफी सारी बाइकें थी, तो आपने इसी बाइक को क्यों परचेज किया? फर्स्ट टाइम तो मैंने पहले R15M देखा था। अच्छा, वो लेने का काफी वो था, मतलब थोड़ा एग्रेसिव भी था वो, पर ये कि उसका थोड़ा मतलब प्राइस भी मतलब थोड़ा उसका भी वैसे ज्यादा था प्राइस। अच्छा, बाकी क्या बोलते पावर वगैरह भी थोड़ा कमी था। अच्छा, तो मेरे को उस प्राइस में वो वर्थ नहीं लगा। अच्छा, तो मैंने फिर बाद में थोड़ा इंक्रीज देखा मैंने डोमिनार 400। अच्छा, तो डोमिनार 400 भी मतलब पावर बहुत उसकी अच्छी है वैसे, पर ये कि वो बाइक हैवी थी काफी। अच्छा, तो उसमें फन टू राइड नहीं हो सकती थी। अच्छा, तो फन टू राइड के लिए फिर मैंने न्यू जनरेशन जब ये लॉन्च हुआ 250 तो ये देखा मैंने फन टू राइड। तो जो ने पहली बार बाइक को देखा कैसा फील हुआ बाइक को देख के? बाइक काफी मतलब एकदम जो बोलते हैं ना ड्यूक 790, केटीएम ड्यूक सुपर ड्यूक जो 790 और जो 1290, तो उसके लेवल का मतलब वो डिजाइन बनाया हुआ इन्होंने ना। अच्छा, बाकी 390 तो है ही है, बाकी 250 अपनी और जो ड्यूक 790 जो 1290 उनके लेवल का डिजाइन लगता है ये देखने में। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि यार जब अपनी बाइक ली थी तो क्या कोई वेटिंग पीरियड था बाइक पे कि ऐसी मिल गई थी शोरूम गए और बाइक? मेरा एकदम लेने का कोई प्लान नहीं था सर। अच्छा, है ना, मैं एकदम से शोरूम गया तो बाइक देखी मैंने, फिर मैंने एकदम से अपना वो करके डन कर दिया। हां जी, डन कर दिया। तो आपने जब ये बाइक परचेस की थी तो क्या आपको ऑन रोड प्राइस पड़ा बाइक का? बाइक का ऑन रोड प्राइस वैसे अपने 2,80,000 रुपए विद आरसी वगैरह सब कुछ है, विद आरसी सारा कुछ उसमें। अच्छा, तो आपने बाइक कैश पे लिए लोन पे लिए? फाइनेंस पे। तो कितने डाउन पेमेंट आपने किया बाइक के लिए? बाइक की डाउन पेमेंट मैंने 47 की थी। 47? हाँ जी, 47। और भाई कितनी ईएमआई बनी है और कितने साल के लिए बनी है? तो कुछ ईएमआई 3 साल की वो बनाई है। तो 3 साल की बनी आपकी? हाँ जी। क्या है मतलब पर मंथ कितनी वो किस्त बनी आपकी? पर मंथ 7,900 रुपए। 7,900 रुपए, हाँ जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा लोन पे? 11%। तो भाई अगर बात करें बाइक की माइलेज के बारे में तो भाई आपको क्या फिलहाल माइलेज मिल रहा है बाइक से? मेरे को अभी वैसे इतना ज्यादा रस नहीं भगा रहा बाइक को। अच्छा, तो उस हिसाब से मेरे को बाइक की अभी तो मेरे को 28-29 मिल रही है बाइक। तो सिटी में चला रहा हूँ हाईवे पे फिलहाल, तो मैं ज्यादातर अभी सिटी में चला रहा हूँ। तो हाईवे अभी अभी टेस्ट किया आपने? हाईवे में अभी ज्यादा टेस्ट नहीं किया मैंने। और टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो भाई क्या टॉप स्पीड निकाली है? टॉप स्पीड इसकी 160 तक तो वैसे जाती होगी शायद। अच्छा, पर इसको मैं अभी नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड में 120-130 तक ले गया हूं। ले गया हूं। हां जी। अच्छा, वो आराम से 120-130 स्पीड इसकी आराम से जाती है एकदम, पता ही नहीं चलता। बाकी हैंडलिंग कैसी है बाइक की? हैंडलिंग तो एकदम मतलब सॉलिड है एकदम, काफी जो हैंडलिंग मतलब जैसे हैंडल पकड़ती है ना एकदम प्रीमियम फील होता है, एकदम अच्छा फील होता है बाइक में ना। हैंडल भी एकदम कड़क बोलते हैं ना जो कड़क है। अच्छा, वो एकदम कड़क। अच्छा, बाकी की बात करें बाइक के अंदर फीचर के बारे में तो भाई इस बार क्या नए फीचर आया बाइक के अंदर? सबसे मेन फीचर जो बाइक में क्विक शिफ्टर है। अच्छा, तो क्विक शिफ्टर मेरे को काफी पसंद लगा। और बाकी जो इसका ये है ना रेस जो एक्सीलरेटर ग्रिप ग्रिप जो है इसमें है राइड बाय वायर है। अच्छा, जो नई वाली जो ड्यूक 250 न्यू जनरेशन है ना, तो इसमें पहले जो ओल्ड वाली जनरेशन होती थी उसमें वायर होता था। अच्छा, इसमें अब विदाउट वायर है। अच्छा, सेंसर सीधा। अच्छा, और भाई और क्या आपको मतलब मस्त चीज लगी इस न्यू मॉडल के अंदर? तो इसमें मतलब एक तो इसका जो शीशा है मिरर वाले जो, अच्छा मिरर भी काफी मतलब अच्छा एकदम सॉलिड एकदम काफी अच्छा प्रीमियम कर दिया मिरर एकदम। नहीं, सच बताऊं मिरर से अलग लुक आ रही है बाइक की। अगर मिरर निकाल देंगे तो भाई लुक सच में बेकार हो जाएगी बाइक की। नहीं, वैसे कई लोगों को मिरर निकाल के भी पसंद आता है, फिलहाल तो मेरे को मिरर अच्छी लग रही है वैसे। नहीं, अगर देखा जाए तो भाई मिरर निकाल के लुक मस्त आ रही है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाई ड्यूक 250 मिरर निकाल के से लगी कि भाई मिरर के साथ, ये आप हमें प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिएगा। बाकी इसमें एक और फीचर है कि इसमें पहले से ही मतलब 1000 लाइट का 1000 स्विच नहीं होता, 1000 इंडिकेटर जो चलते हैं, चार इंडिकेटर ये देखो आपको दिखाता हूँ। इसका स्विच है यहाँ पे, ये चार ऐसे करो
तो ये चार इंडिकेटर जल जाता है। और एक और फीचर इसमें, जैसे मैंने अभी इसका मीटर बंद कर दिया, देखो ये चार लाइट जल रहा है ना अभी, इसका मैंने मीटर पूरा बंद कर दिया, ठीक है, ये फिर भी जलता रहेगा, चलती रहेगी। सही, अगर मान लो हाईवे चाह रहे हैं, हमने बाइक पार्क करनी है, हमने बाइक अगर हमें कहीं हाईवे में कहीं अगर साइड पे अगर पार्किंग किए खड़े हम कहीं, तो रात को बड़ा काम आता है ये फीचर, है ना। और अच्छा, बाकी यार कंसोल मेरे को थोड़ा बताओ, कंसोल में क्या क्या नहीं दिया इस बार उन्होंने? कंसोल एक तो इसका एलसीडी कंसोल एकदम, है ना, साइज भी ऑन कर लेता हूँ, तो रेडियो टू रेस इसका दिखाई देता है, पर एलसीडी वाला है, जैसे मतलब 390 मिलता है वैसे तो नहीं है, पर एलसीडी है। बाकी इसमें फीचर है ऐसे, देखो ट्रिप बता रहा है इसमें, इस बाइक में रेंज भी बताता है। अच्छा, ड्राइविंग रेंज, हाँ जी, बाइक इन्फो में। अच्छा, नेविगेशन करते हैं इस बार? हाँ जी, ये देखो एबीएस मोड है ना, जैसे सुपर मोटो है, जो स्टंट वगैरह करते हैं जो, है ना, उसके लिए सुपर मोटो अभी मैंने रोड में किया हुआ है, ठीक है। बाकी बाइक इन्फो में अपना इसका ना एक चीज बताता हूँ आपको, ये देखो इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है 65, तो जब इसको अगर हम, अगर जैसे बाइक खड़ी होती है ना, काफी टाइम तक खड़ी होती है, अगर हमने बाइक को वार्म अप कराना है ना, तो बाइक को अगर हम चलाएं तो 70 या 75 तक, जब तक टेम्परेचर 75 तक वार्म अप नहीं होती ना, 70 तक, तब तक आप मतलब उसके बाद ही बाइक को स्टार्ट करके निकल सकते हैं। हाँ जी, और इसमें रेंज बता रहा है 140 की रेंज है, बैटरी सब देर का, हाँ अभी 200 मतलब। अच्छा, और ये नेविगेशन दिखा था मैंने, वो कैसे मतलब नेविगेशन हो गया इसमें, वॉल्यूम का है, स्टार स्टॉप नाउ, तो ये वाला फीचर है, सारे दिखते रहेंगे उसके लिए हमें फोन को कनेक्ट। बाकी इसमें एक और फीचर दिखाता हूँ आपको, इधर इस साइड को लाओ प्लीज, तो इस साइड को ना, इसमें आपको यूएसबी केबल मिल जाता है चार्जिंग, सही है, चार्जिंग पॉइंट के लिए, ये मैं ये देखो, अच्छा चार्जिंग पॉइंट के लिए यूएसबी केबल है, बट इसमें फोन रखना पड़ेगा ना कहीं पर? हाँ, फोन के लिए हमें वो लगाना पड़ेगा, मतलब फोन होल्डर। और बाकी दोस्त, बाकी भाई अगर बात करें आपको बाइक के अंदर क्या सबसे अच्छी बात लगी इस बार, मतलब एडवांटेज क्या है बाइक की? बाइक वैसे जो पहली वाली थी ना, थोड़ी सी जो वो ना थोड़ा हल्की सी ब्रूटल थी, अच्छा ये भी है वैसे, पर ये एकदम स्मूथ है इसका, मतलब अगर इसको हम ज्यादा हाई गियर पे भी, जैसे 5 गियर में भी अगर मैंने, अगर इसको काफी मैंने कम स्पीड में चलाया हो ना, तो बाइक झटके रुकती नहीं जल्दी से, तो स्मूथ गियरिंग काफी स्मूथ है इसकी। बाकी इसका जो ये बाकी जो बाइक का जो बैलेंस बनता है ना, जैसे कहीं हाईवे में थोड़ा भगाते तो उसमें बैलेंस भी अच्छा है बाइक का काफी। बाकी जैसे यार नया ब्रेक सेटअप और नया सस्पेंशन दिया है, तो उनकी कैसी परफॉर्मेंस है? उनकी परफॉर्मेंस अगर वैसे मैंने न्यू ओल्ड वाली जो जनरेशन अपनी थी पहले वो चलाई थी मैंने, तो उस हिसाब से मेरे को ब्रेक में थोड़ा सा इंक्रीज लगा इसमें। अच्छा, और सस्पेंशन कैसे लगे आपको, हार्ड लगे सॉफ्ट लगे पहले वाले से? सस्पेंशन का तो इतना पता नहीं, पर सस्पेंशन तो मेरे को अभी नॉर्मली लगे, मतलब अभी मैंने इतना क्रेजी, मतलब अभी मैंने इतना मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह इतना किया नहीं ना। अच्छा, तो मैं अभी बता नहीं सकता मतलब कैसा है सस्पेंशन। बाकी भाई जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि इसमें वो दे रखा है अंडर बेली एग्जॉस्ट, तो एक बार एग्जॉस्ट सुना दो हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, थोड़ा रिव करना। तो भाई एग्जॉस्ट में अंदर काफी बास, मतलब थोड़ा बासी एग्जॉस्ट है इस बार, बेस है काफी एग्जॉस्ट के अंदर, बेस है, पहले से ज्यादा बेस है ना। तो भाई आपको बाइक का एग्जॉस्ट कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके शेयर कीजिएगा। बाकी भाई आपको बाइक के अंदर और क्या क्या फिलहाल अच्छा लगा? फर्स्ट नंबर मेरे को बाइक में इसका जो रेडिएटर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ रेडिएटर, इसका जो रेडिएटर है पहले ना, मतलब जो पहले वाली जो जनरेशन थी उसका ना थोड़ा आगे, पहले ओपन था पूरा, पहले थोड़ा ओपन था, तो अभी ना इसमें प्लास्टिक सा वो मतलब थोड़ा वो दे दिया, मतलब प्लास्टिक सा मतलब वो दे दिया बचाव के लिए, सेफ के लिए। और ये रखे भाई लॉक हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, हम निकाल भी सकते हैं ताकि अगर आफ्टर मार्केट हमने कुछ रेडिएटर दूसरा ग्रिल लगाना है तो उसके लिए निकाल भी सकते हैं इसको। बाकी यार जरूरत नहीं है, बाकी आफ्टर मार्केट लोड नहीं है वैसे। बाकी सबसे मेन बात है ना, इसका जो रेडिएटर ना, एक तो पहले वाले रेडिएटर से थोड़ा बड़ा भी हो गया, साइज में थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, और कर्व कर दिया, कर्व कर दिया रेडिएटर, ऐसा कर्व है मतलब अंदर वाली साइड, मतलब वो है रेडिएटर कर्व कर दिया बाइक का ना। और भाई क्या आपको अच्छी बात लगी बाइक के अंदर? और सबसे मेन बात मेरे को इसका ग्राउंड क्लीयरेंस, अच्छा तो ग्राउंड क्लीयरेंस भी मतलब काफी इंक्रीज हो गया। और अच्छा, जो बाइक की जो सीट हाइट है ना अपनी, अच्छा मेरी हाइट 5'9" है वैसे। अच्छा, जो तो एक बार यार बैठ के दिखा दो कितने, मतलब पूरे पैर आ रहे नहीं आ रहे? 5'9" हाइट है, मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ बाइक में, जैसे मैं बाइक में बैठ गया, अच्छा पैर मेरे इजीली पूरे आ रहे हैं, ये स्टैंड आ रहा है। तो अगर इसी 5'5" भी हाइट है ना, 5'4" है, वो भी आसानी से राइड कर लेगा। अगर जिस बंदे की हाइट अगर 5'2", 3'4" जितना भी है ना, वो बंदे के लिए भी ठीक है बाइक। अच्छा, बाकी यार अब अच्छी बातें तो होगी, अब बात करते हैं बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज क्या बेकार बातें बाइक के अंदर? बाइक में अभी डिसएडवांटेज मतलब क्या है कि ये तीसरे चौथे गियर में ना थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है बाइक। अच्छा,
वाइब्रेशन हल्की सी होती है मतलब। अच्छा, उसको मैं वो तो अपनी अपनी जर्कनेस सी फील होती है आपको? हाँ जी, जर्कनेस सी फील होती है, जर्कनेस फील होती है। अच्छा, बाकी थोड़ा सा तीसरे चौथे गियर में, दूसरे तीसरे चौथे गियर में थोड़ा वाइब्रेशन होता है बाइक। अच्छा, तो दूसरी डिसएडवांटेज की इसका जो टेल टेड है ना। अच्छा, ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। नहीं यार सही है। नहीं ये चीज ना, ये जो टेल टेड है ना, हाँ, ये कुछ ज्यादा लंबा कर दे थोड़ा सा, मतलब अगर थोड़ा सा थोड़ा छोटा टाइप का देते ना तो हाँ, अच्छा होता है। तो जिस बंदे को अगर पसंद नहीं आएगा तो वो टेल टेड हटा भी सकता है इसमें। हाँ, बाकी इसका थोड़ा जुगाड़मेंट, इसका जुगाड़मेंट थोड़ा, जो पहले वाली जो पहले वाली ड्यूक आती थी उसका थोड़ा अच्छा जुगाड़मेंट था। तो इसका ना थोड़ा, मतलब यहाँ से मैंने कई बार सुना है कि मतलब जो बंदा इसको खोलता भी है ना टेल टेडी, तो थोड़ा बीच में ना गैप बन जाता है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो यही है। तो गाइस यही था इस बाइक का एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन भाई से पूछते हैं। तो भाई अगर ना कोई नया राइडर है वो इस बाइक को ऑन करना चाहता है, तो भाई क्या आप उसको ये बाइक रिकमेंड करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ। जो नया राइडर ना, अगर जो अगर थोड़ा अगर कम एज वाला बंदा, जैसे कोई 18-19 साल के लड़के होते हैं ना आजकल जो नए लड़के, उनके लिए मैं ये थोड़ा रिकमेंड कम करूंगा। उनके लिए 150 या 200 तक ठीक है। वैसे ये मतलब ये भी इतना वो है नहीं, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा, पावर ज्यादा है इसमें है ना। अगर ये जैसे मान लो 390 अगर 21 है तो ये 20, ये 19 है। वो अगर 21 है तो ये 19 है पावर में, पावर के हिसाब से। मतलब वेट, बाइक में वेट भी कम है। 390 की बात करो क्या, किस बात करो? 390 की बात कर रहा हूँ। 390 21 है तो ये 19 है। अच्छा, इसकी मतलब वेट भी कम है बाइक की, तो इस हिसाब से बाइक का एक्सेलेटर ज्यादा होता है। जो नए लड़के है ना, जो आजकल जो बाइक लेना काफी मतलब पेरेंट्स भी मतलब अलाउ करते हैं जो नए लड़के हैं, तो उनके लिए तो मैं मना ही करूंगा कि 250 से ज्यादा 200 या फिर 150 है ना। KTM 125 भी आती है, वो देख लो। अच्छा, बाकी तो क्या बोल सकते हैं, जिसको अपनी चॉइस है। बाकी दोस्तों जैसे कि नई ड्यूक 250 आई है ना, तो भाई इसमें ना इलेक्ट्रिकल काम बहुत ज्यादा है, तो इस करके बाइक के पार्ट की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है। बाकी ब्रेकिंग तो एक नंबर की ब्रेकिंग है ना, ब्रेकिंग वाइज कोई इशू नहीं है बाइक की। तो भाइयों आपको रिव्यू कैसा लगा प्लीज में कमेंट करके बताइएगा, और भाई को आप फॉलो कर सकते हैं भाई के इंस्टाग्राम आईडी पर। और अगर आपको इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना, तो भाई को फॉलो कीजिएगा और भाई को डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, तो भाई आपका तुरंत रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।